माय चैनल। तो आज की जो वीडियो दोस्तों, उसमें जो भी मैं क्वेश्चंस आपसे शेयर करूंगी, ये एनेलिडा फाइलम से होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं और टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। और इस वीडियो जो भी इसमें मैं बताऊंगी आपको, जितने भी क्वेश्चंस होंगे सबके नोट्स का पीडीएफ मैं लिंक में डाल दूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए इस वीडियो को हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, द गिजर्ड ऑफ अर्थवर्म इज एन ऑर्गन ऑफ। अर्थवर्म में गिजर्ड पाया जाता है। तो अर्थवर्म को जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें माउथ पाया जाता है, फेरिंग्स पाया जाता है, ओसोफेगस होता है, क्रॉप होता है और गीजर्ड होता है, इंटेस्टाइन होता है। तो ये जो गीजर्ड पाया जाता है, गीजर्ड पाया जाता है अर्थवर्म में, इसका काम क्या होता है, इस ऑर्गन का क्या काम होता है? तो इस ऑर्गन का काम होता है क्रशिंग द फूड, फूड को क्रश करने का काम होता है गीजर्ड का। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इन अर्थवर्म फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन। अब अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, यहाँ पे क्वेश्चन ये है। तो पहली बात तो अर्थवर्म में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो बॉडी के बाहर होता है, मतलब कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है अर्थवर्म में और ककून के अंदर होता है। तो इसका आंसर है ककून। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, नीरीज इज कॉमनली कॉल्ड। नीरीज को मतलब कि और कौन दूसरे नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि नीरीज को और किस नाम से लोग बुलाते हैं? तो इसका आंसर है क्लैम वर्म। तो देखिए, नीरीज को लोग कॉमनली क्लैम वर्म भी बोलते हैं और रैग वर्म भी बोलते हैं। रैग मतलब RAG, रैग वर्म ये भी बोलते हैं, दोनों बोलते हैं, क्लैम वर्म भी और रैग वर्म भी। फोर्थ नंबर पर क्वेश्चन है, द बॉडी ऑफ एनेलिड इज डिवाइडेड इंटू। तो एनेलिड्स की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? तो एनेलिड्स की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट में डिवाइड होती है। कैसी होती है? सेगमेंट्स में डिवाइड होती है एनेलिड्स की बॉडी। और ये जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में सेप्टम से अलग होते हैं, सेप्टम से आकर आपस में सेपरेट रहते हैं ये। तो ये है एनेलिड्स की बॉडी, ये सेगमेंट्स में डिवाइड होती है और जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में सेप्टम से सेपरेट होते हैं। और ये सेगमेंट्स जो है ये बहुत से भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 600 भी हो सकते हैं। तो उसका कोई अलग अलग स्पीसीज के हिसाब से वो होता है सेगमेंट्स। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द एक्सक्रेटरी ऑर्गन ऑफ एनेलिड इज कॉल्ड। एनेलिड का जो एक्सक्रेटरी ऑर्गन होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसका आंसर है नेफ्रिडिया। तो एनेलिड्स में एक्सक्रेशन किसके जरिए से होता है? नेफ्रिडिया के जरिए से होता है। तो एक्सक्रेटरी ऑर्गन एनेलिड्स का क्या है? नेफ्रिडिया है। ये लॉन्ग ट्यूबुल जैसा ऑर्गन होता है। नेफ्रिडिया कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूबुल जैसा ऑर्गन होता है। सिक्स नंबर पे क्वेश्चन है, द फायर वर्म्स फीड ऑन। फायर वर्म्स जो होते हैं वो क्या खाते हैं? तो वो कोरल खाते हैं, मतलब इसका आंसर क्या होगा? फायर वर्म का जो ईट होता है, मतलब कह सकते हैं फायर वर्म का फूड क्या है? तो फायर वर्म का फूड है कोरल्स, स्मॉल क्रस्टेशियंस, एनिमोन्स, ये सब फायर वर्म्स के फूड में आते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सेवन नंबर पर क्वेश्चन है, ब्लड वर्म्स कैप्चर प्रे विथ। जो ब्लड वर्म्स होते हैं वो प्रे को कैप्चर करते हैं, शिकार को कैप्चर करते हैं, पकड़ते हैं। कैसे पकड़ते हैं? तो वो अपने फायरिंग्स का यूज करके प्रे को कैप्चर करते पकड़ते हैं। तो ब्लड वर्म जो होते हैं वो 35 सेंटीमीटर तक लंबे हो सकते हैं, 35 सेंटीमीटर तक ये ग्रो कर सकते हैं। और ये शैलो मरीन वाटर जो होता है उसके बॉटम में ये पाए जाते हैं। तो ये एनेलिडा फाइलम से बिलोंग करते हैं ब्लड वॉर्म। सब कैप्चर कैसे करेंगे? फैरिंग्स को यूज करके। एट नंबर क्वेश्चन है, इन एनेलिडा फ्री स्विमिंग लार्वा इज कॉल्ड। तो एनेलिडा का जो लार्वा होता है उसको क्या बोलते हैं? तो एनेलिडा के लार्वा को हम लोग बोलते हैं ट्रोकोपोर, ट्रोकोपोर। नाइन नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम सीक्रेट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन एनेलिड्स। एनेलिड्स में जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन सा पार्ट है जो डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है? तो आंसर इसका ईसोफेजियल सीका। टेन नंबर पर क्वेश्चन है, इन एनेलिडा सेगमेंटेड आर सेपरेटेड बाई। जैसा मैंने बताया कि एनेलिडा की जो बॉडी होती है वो सेगमेंट्स में डिवाइड होती है, तो ये जो सेगमेंट्स होते हैं आपस में सेप्टम से सेपरेटेड होते हैं। तो एनेलिड्स की बॉडी सेगमेंट्स में सेपरेट होती है, डिवाइड होती है और ये सेगमेंट्स आपस में सेप्टम के जरिए से सेपरेट रहते हैं। तो उसका मैं इस नोट्स का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप इजिली वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और उसको अपने पास रख सकते हैं। थैंक यू।